राम राम मंडली एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज लेके आया हूं मैं आपके लिए नया वीडियो। इस वीडियो में आज का वीडियो थोड़ा खास है क्योंकि क्रिकेट जिनको पसंद है उनके लिए मैं बताऊंगा। और जो आपने मेरे पिछले वाले वीडियोस देखे हैं, हमारा आज है फाइनल मैच रीजनल लीग जर्मनी का। तो T20 का जो हेसन स्टेट हम जहाँ पे रहते हैं, मैं जहाँ पे रहता हूँ, तो हेसन स्टेट हम लोग फ्रैंकफर्ट में क्रिकेट खेलते हैं। और आज जो फाइनल होने जा रहा है वो है रीजनल लीगा का फाइनल। तो अगर आज का फाइनल हम लोग जीतते हैं तो T20 के हेसन स्टेट की हम लोग फर्स्ट टीम हो जाते हैं और हम लोग फिर अगले साल खेलेंगे बुंडसलीगा में। तो देखते क्या होता है आज के मैच में। थोड़ा मेरे को हो गया है वैसे भी डिले, बिकॉज थोड़ा मैं घर से जरा लेट निकला था, तो टॉस के लिए मैं डायरेक्टली गया। हम लोग का टॉस हो गया है, हमारी पहली बैटिंग है। और जो टीम हम जिनके साथ खेल रहे हैं उन लोगों ने आज तक कोई भी मैच लीग में हारा नहीं है। सिर्फ एक मैच हारे वो लोग, बट पूरा लीग उन लोगों ने जीता है। तो अच्छा कॉम्पिटिटर है, अच्छा टफ टीम है सामने वाला। और उन लोगों ने बहुत मारते हैं पावर प्ले में। तो कोई भी पावर प्ले में उनका कम स्कोर नहीं है, बहुत तोड़ते। तो लेट्स सी क्या होता है आज, देखते हैं। पहली बैटिंग है तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं 180 के करीब करीब एक स्कोर करें। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। Come on!
डाला ना पटका उसने जोर से वो नहीं वो पुल मारने गया पेस बॉल जा जा कैप्टन कैप्टन
बढ़िया बढ़िया राहुल, गुड स्टार्ट, शाबाश। बहुत अच्छा, इजी डबल, इजी डबल। शॉट है, शॉट है अरविंद। पार्टनरशिप करेंगे राहुल, दो तीन ओवर, शाबाश। अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसी ऐसी रन मिलते रहेंगे, शाबाश। सब लोग सर्कल में है, थोड़ा आने दो, एक दो। गुड शॉट, गुड शॉट। शॉट रे यार, शॉट है यार लड़के, क्या बात है यार, शाबाश। शाबाश, डन है यार, कम ऑन। नो भी नहीं खेला, पूरा पूरा खेलेंगे भाई, बढ़िया। ब्रेक मिल जाएगा अरविंद को, ये अरविंद
लवली लवली बॉयज। 11 ओवर हुए हैं, 85 रन्स। साहिल भाई क्या लगता है कितना होगा? देखते देखते साहिल भाई इतना ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है, लेकिन उनकी बैटिंग बची है अभी। ट्रॉफी ट्रॉफी आएंगे आज, मेहनत करेंगे भाई, ट्रॉफी ऐसे थोड़ी आएगी, मेहनत करेंगे। कितना स्कोर लगता है वो तो बता। 170 to 190 200 200। बस मैं आपके साथ हूँ संतोष भाई। 200 हाँ, टारगेट तो मेरा 200 भाई, रियलिस्टिक थोड़ा। नहीं नहीं रियलिस्टिक नहीं, मारो गदा घुमाओ आज, बजरंग बली की जय बोल के घुमाओ। क्या बात है लड़के, बढ़िया बढ़िया, ये बात जबरदस्त, मारो मारो मारो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सही जा रहे हो राहुल, सही जा रहे हो। One more, राहुल, keep it coming यार, शाबाश। Yes, yes. बहुत अच्छे मार रहे हैं राहुल, कमन बॉय। अरे भाई पक्का आउट है, पक्का। साहिल भाई क्या लगता है, पक्का आउट था? पक्का आउट। It was a कच्चा आउट। कच्चा। इसको लगा पक्का। बहुत आउट था, पक्का आउट, पक्का। तर मित्रांनो 18 ओवर 159 रन झाले आणि एकदम चांगला प्लॅटफॉर्म आहे। आता 2 ओवर राहिले, 2 ओवर मध्ये आता किती बसतात ते बघू आपण। दो तो गाइस 176 का टारगेट है, काफी अच्छा टारगेट माना जाता है ये विकेट पे। अब देखते हैं, उनके बैट्समैन तो वैसे बहुत स्पोर्टक है, बट हमारी भी बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो लेट्स सी क्या होता है। अभी मैं जाता हूँ पैडअप करने का, पैडअप के लिए कीपिंग करता हूँ मैं। वेल प्लेड बॉयज, वेल प्लेड। प्लेड प्लेड अब कुछ नहीं छोड़ना अपने शरीर में, अपने दिमाग में देने के लिए। दिस इज नाउ और नेवर मोमेंट, और मेरे मेरी इफ यू गो बाय माय ओपिनियन देन वी आर ऑन टॉप एट दिस टाइम। 176 फाइनल मैच चेस नॉट इजी, और दे आर रिलाइंग टोटली ऑन दोस थ्री बैटर्स आई नो। तो अपने को वो 3 विकेट चाहिए, ठीक है। आवर गोल इज गेट दोस 3 विकेट्स। कैसे मिलेंगे? अच्छी बॉलिंग करके कल के जैसे, और सारी अच्छी फील्डिंग कैचिंग करनी है। फुल बॉल डालोगे मतलब बैट के नीचे आया तो बाहर है, उसको देखो भी मत। स्विंग वगैरह कुछ नहीं, यॉर्कर विरकर ट्राई मत करो। और जितना करेक्ट, जितना इकोनॉमिकल रखोगे ना जितना, तो नीचे ऊपर है ना डेप्थ बढ़ते जाता है। अगर तुम समझ रहे 6 ओवर में हम लोग सिर्फ उसको 36 और 50 कुछ देते हो, तो पीछे प्रेशर बढ़ते जाता है, वो लोग रिस्क लेंगे। तो हमको वही करना है, अपना अपना इकोनॉमिकल ओवर डालो पहले, और स्लॉट बाय स्लॉट जाते हैं अपन। 6 ओवर में कितना आता है क्या आता है बाद में देखते हैं। बैटिंग में बोल रहा था मिनिमाइज डॉट बॉल्स, नाउ बॉलिंग में मैक्सिमाइज डॉट बॉल्स। डॉट बॉल पे फोकस करो। यस, और जब कुछ समझ में नहीं आता उनको बैट्समैन को कट करने दो। जय माता दी रॉक्स। तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू संतोष। चिराग चिराग अमित वो उसको बता दो मिड ऑन मिड ऑफ का। चलो बॉयस लेट्स सी क्या होता है। स्लिप की जरूरत नहीं है, डीप जाना पड़ेगा। आज का विकेट हमारा चिराग, नहीं स्लिप नहीं चाहिए। हाँ चलो, तो मैं हो जाता हूँ अभी रेडी ग्लोव्स वोज डाल के, और आपको मिलते हैं हम थोड़ी देर में। मैं देता हूँ अपडेट क्या होता है। अमन जल्दी बता क्या होगा, विनर विनर चिकन डिनर। यस तो गाइस लफड़ा हो गया लफड़ा। अमन इधर क्या हुआ स्कोर बता।
हुआ 9/125 है फिर कैच दे रहे हैं एक बंदे को और वो सेंचुरी मार गया। हाँ, और दो कैच छोड़े उसके, दो नहीं तीन, तीन कैच छोड़े कैच उसके, तीन दूसरे के। और फिर आए युवराज सिंह जो धागे खोले, जो धागे खोले, एक भी बॉल सामने इजी नहीं मार रहा भाई, एक भी बॉल। वकर 140 वकर भाई इतने दूर दूर मार रहे बाबो, ऐसा लग रहा है लेकिन बॉलिंग करके मजा आ रहा है। तेरे को नहीं पड़ी, तेरे को एक ही पड़ा, एक ही पड़ा लेकिन बाकी लोगों को किसी को नहीं छोड़ा किसी को नहीं छोड़ा किसी को रहम नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल रहम नहीं है। अभी क्या होता है मैच, तो हम लोग हार रहे हैं अभी, बहुत मुश्किल है यहाँ से 9/134 मुश्किल है। तो गाइस इसी प्रकार फाइनल हम लोग हार गए, बट अच्छा गेम हुआ, उन लोगों ने बहुत अच्छा खेला है, काफी अच्छा तोड़ा। थैंक यू सर, थैंक यू, हार्ड लक, वेल प्लेड, थैंक यू, कांग्रेट फॉर कमिंग टू योर फर्स्ट फाइनल। यस सर, हार्ड लक बट वेल प्लेड, वेल प्लेड, फाइनल तक आए आप, वेल प्लेड, अंपायर सर थैंक यू, वेल प्लेड बॉयज, राजा वेल प्लेड बॉयज, वेल प्लेड, प्लेड प्लेड ठीक है, हार्ड लक ठीक है, प्लेड प्लेड प्लेट प्लेट चलो चलो उनकी टीम आई है, चलो जल्दी आजा अमन, आजा लेट बॉस, चल आजा आगे, आजा चल आगे, वेल प्लेड, वेल प्लेड ऑल बॉयज, हार्ड लक हार्ड लक हार्ड लक। ऐसा भी नहीं कि बहुत क्लोज मैच हुआ, काफी अच्छी बुरी तरह से उन्होंने हमको हराया है। सो या देखते हैं, अभी सीजन तो यहाँ पे खत्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट मैचेस में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय महाराष्ट्र। तो गाइस सब मिलते हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में, जाते हैं हम लोग, देखते क्या क्या होता है वहाँ पे। ये हमारे जो है ना सीनियर हैं, इन्होंने इस वक्त टू बूम स्लाइडर से का कोर्स किया है, ये कोर्स हासिफाओ के लिए starting from last 2 years we are struggling to win the games and now we are in the finals, this is the first step, so we try to make sure that next time we are in the finals we will win the match, but well done. Yeah. फर्स्ट टाइम, तो कुडोस टू ऑल ऑफ अस, वेरी वेल प्लेड, वी शुड बी प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ अस, फॉरगेट अबाउट द 3-4 कैचेस दैट वी ड्रॉप्ड टुडे, वी ड्रॉप्ड सो मेनी, मे बी मोर देन 100 थ्रू आउट द ईयर, ओके चलो छोड़ो अभी एंजॉय करें, वो एंजॉय बीइंग द फाइनलिस्ट, ओके आई वांट टीके भाई, टीके भाई तू बोलो बोलो, टीके भाई सोचो कि माइक लगा, सोचो माइक, टीके भाई दो शब्द आपके, दो शब्द बोलो बोलो। स्टार्ट ऑफ द सीजन लगा नहीं था कि हम इतना, क्योंकि बुंदेसलीगा में इतना हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था, और वी आर डाउन विद ऑल दिस अवेलेबिलिटी इश्यूज एंड देन मोरल वाज डाउन ईच एंड एवरी प्लेयर, इन T20 आल्सो वी आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड, बट late somehow managed to get 11 in every match and then we started match by match, I mean I cannot think much, like Sahil, Bhau, Amit, and then we got Arvind Reddy as a fast bowler, Chirag was doing well, I mean I was not good with ball in 50 over, then I okay worked and
I was doing okay in the T20, but again we needed a fast bowler and luckily found Arvind, and with the partnership of Arvind and Chirag, we used to get early wickets, then spin bowling like we have always boom for us. This time also it worked, and finally we managed to reach three quarters, and it was like luck for us that we got a sharpened buck, we outplayed them, we won. Quarter was also not easy because of the light and late thing. Still, we managed to pull out thanks Chirag and Arvind. Last over, we did brilliant and we made it to semi final. Okay. It was semi final. We were about to lose. No hope was there because 8 over 56 and they were 6 or 7 wicket. Faisal was there on the crease, and then somehow. Somebody. And the support of every team member, we made it to final. Okay, it was not our day. But finally, after so long, after 2018, me and Santosh saw first final in 6 years. It was a big achievement for us. Okay, things do happen, we lost, that's okay, but we are champions. Yes. We are champions. Interesting. Thanks, guys, for making it. Badiya, badiya. Anybody else wants to say something? Come on, this is the time. Santosh bhai. Arvind. Hey, macha, come on. Macha, come on. Say something. You should say something. Okay. I never felt unwelcome within this team. Every time when people kept believing in me, initially, as you know, not much runs were coming off the bat. And I was literally struggling a lot. But thanks to Sahil, Ramajit, and Amit bhai, they kept. Thanks for believing in me, and finally I could, you know, contribute something to the team. So I'm happy that I was part of this team which struggled a lot initially, but overcame every obstacle, reached the finals, and yeah, I'm very proud to be here. We do not forget to thank Anurag and Roshan. Yes, every time they are there. We need to get more Arvinds in the team, I think. Okay, chalo, Aman, please, a few words. कहीं से भी आता है चाहे खेले बैटिंग मिले बॉलिंग मिले पूरी टूर्नामेंट में आज जाके आई थिंक बॉलिंग मिली है। असल में होती है टीम एफर्ट, 11 की 11 खेलते हैं, एक बंदा नहीं खेलता मैच, तो जो पीछे बैठे होते हैं रोशन बहुत हेल्प किया हर मैच, 12th में बहुत सपोर्ट मिलती है उसे, बाकी पूरी टीम बहुत अच्छा खेली है। हम यही सोचते थे पिछले 1-2 सालों से कि हम क्लिक नहीं करते, क्वार्टर फाइनल क्लिक नहीं करते, एटलीस्ट हमने क्वार्टर फाइनल क्लिक किया, फिर सेमी क्लिक किया, अब फाइनल में नहीं बनी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जैसे उन्होंने तीन फाइनल खेले तो हम भी खेल लेंगे इंशाल्लाह। तो हमने खुद में ही बिलीफ रखना है और कॉन्फिडेंस रखना है एक दूसरे इंशाल्लाह, जोड़ के रहना है, ऐसा नहीं कि भाई हाँ हो गया हो गया। मुझे सिर्फ एक चीज़ और ऐड करनी है, बाकी सब तो सबके कॉल करते हैं, इसके साथ जो हम लोग लास्ट मैच खेले थे उसमें जो बात थी कि अच्छी रन तुक्के से आई है, तो इस बार इस साल के बाद कोई ये नहीं बोलेगा फाइनल में हम लोग आ गए ना, बस हमको हमने खेल के आए थे तो अगले साल हम लोग फाइनल भी जीतेंगे पक्का। बट वही था कि यहाँ तक का सफ़र काफ़ी यूनिट से हमने किया, किसी एक का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, पूरे यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन। और सबसे अच्छी बात कि सब लोग क्लिक हुए टाइम पे, ठीक है फाइनल डे अपना नहीं था बट सिल्वर इज ऑल्सो गुड, सिल्वर इज ऑल्सो गुड, अगले बार गोल्ड मारेंगे हम लोग। अगले साल आई थिंक डायरेक्ट गोल्ड भी मिल जाए तो फिर उसका वैल्यू भी नहीं होगा शायद उतना, आई थिंक नेक्स्ट ईयर ज्यादा वैल्यू होगा क्योंकि सिल्वर से गोल्ड कन्वर्ट करेंगे। One thing I like about this team is basically everyone supports each other. There is no fighting. We've seen matches where people do infighting amongst themselves, but either I've always seen within this last 2 years, everyone, even if you're not performing, you're down, there is someone who kind of taps your shoulder and says, yeah. I mean, that has helped me. There are a few matches I personally have not been well. I got that support, it just helped me to contribute in any possible way. I think this is our USP, to support each other, to maintain that culture. I think we should continue that. Results will come. Last time we made it to the Bundesliga, this year we almost made it.
almost won it, but yeah. Next year is, I'm sure, we'll just go one step ahead. So yeah, yeah, that's all. रोशन भाई आज तो बोलना पड़ेगा आज तो बोलना दो शब्द भी चलेगा ऐसा कुछ नहीं लंबा भाषण भी नहीं हाँ मतलब यही बोलूंगा कि काफी अच्छा खेला पूरा सीजन और बुंडेसलीगा खेलने को मिला काफी अच्छा था एटमॉस्फेयर लगा सब टीम एक दूसरे को बैक कर रही थी सब प्लेयर्स एक दूसरे को बैक कर रहे थे और टीम एफर्ट था सबने कंट्रीब्यूट किया चाहे ऑन फील्ड ऑफ फील्ड सबसे ज्यादा मेहनत एक ही बंदा सेल्फलेसली है मतलब कुछ उसको मत मिलता नहीं उसमें कुछ नहीं फिर भी भाऊ आता है हमेशा खड़ रहता टीम में चलो नेक्स्ट कौन है ऋषि भाई ऋषि भाई ऋषि बोलवा ना उसे बिरयानी आ गई मैं वही जो भाव बोला लाइक हर टीम में एक बंदा होता है दो बंदा होता है जो खेलता है बट ये ऐसा टीम है कि हमको पता है कि कोई भी मोमेंट पे मैच हम चेंज कर सकते हैं वो ये यूनिट का स्ट्रेंथ है एंड आई थिंक ये कंटिन्यू होगा तो एक्सेल इन एवरी सीजन बुंडेसलीगा पहुंचना भी बड़ी बात है फाइनल्स पहुंचना तो यार आई थिंक कहीं भी थैंक्स टू ऋषि आल्सो यार plays as a bowler but opportunity itna nahi mil pa raha fir bhi he is always smiling motivating helping with everything yeah. to correct. great attitude yaar that's your USP yani hota hai yaar but wo hai ki hum wo I think wo hum sab mein kya sab team ke liye khel rahe hain yahan pe koi meko dikhta nahi selfish behavior kisi ka nahi hai aur thoda aur back karenge na meko lag raha hai I think थोड़े अपना वकार बस बिल्डअप हो रहा है वो हो जाएगा ओवरऑल जैसे बोला कि लास्ट ईयर हम क्वार्टर्स में पहुंचे थे तो टीम्स बोल रही थी कि पता नहीं कैसे पहुंच गए हैं द क्लास ऑफ क्रिकेट दैट वी हैव प्लेड नाउ एवरीबॉडी इज यू नो नॉट अंडर एस्टिमेटिंग द शहजादे ऑफ एचसीए हम अच्छा कर रहे हैं आई थिंक नेक्स्ट ईयर और अच्छा करेंगे सो Well played, Baji. Baji finished, I think, MVP number 2 in T20 league. So, very well played and congratulations, Baji. And bowling also maybe in top 5. Chawas. Catching the top 5. Now catching. Now 5 catches. Chalo, chalo, chalo. Okay, guys. Theek hai. We did last of the part of the game. मैंने देखा है 2019 से जब से हमने टीम खड़ा किया है तब से वी आर ऑलवेज स्केल्ड अप इट इज नॉट दैट ठीक है भाई हमने गए ऊपर नीचे नहीं इट्स ऑलवेज बेटरमेंट वन गेम आफ्टर द अदर सो इट इज अ वेरी गुड सीजन थ्रू आउट 4-5 ईयर्स व्हाट आई हैव सीन हम ये जीतते हारने के लिए नहीं माने जाते हम माने जाते हैं एज ए यूनिट अक्रॉस एस वी आर नोन एज अ फैमिली अरे ये बंदे अच्छे हैं कभी कहीं से भी नहीं सुनने में मिलता है कि ये टीम बकवास दे ऑलवेज से दिस टीम इज वेरी गुड आपने देखो कितने विशेष आए हैं जस्ट बिकॉज वी हैव डन दैट वी हैव पुट आवर फुट डाउन हेड डाउन एंड वी हैव प्लेड हार्ड इसीलिए वी आर हियर दैट्स व्हाई वेरी वेल सर वी आर एज अ टीम चलो चलो एक वन लास्ट सुनो गाइस बोल लो हमदान चल एचसीए बोल चल तो गाइस इसी प्रकारे फाइनल सीजन खत्म हो गया है गाइस उधर आपने गाइस वेट कर रहे गाइस वहाँ पे वाइफ खड़ी है आज वाइफ आई है फिर भी हम लोग हार गए बट ठीक है इट्स अ पार्ट ऑफ गेम होते रहता है तो वाइफ आई इसलिए नहीं आ रही नहीं नहीं वाइफ का कुछ सीन नहीं है वाइफ का कुछ सीन नहीं है उनकी टीम ने बहुत अच्छी तरीके से हमको आउट प्ले किया है वो बहुत अच्छा खेले तोड़ 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 मारा है हमको बाकी कुछ टुकरा के मेरा प्यार इंतकाम इन पे निकल लिया नहीं नहीं उसने बहुत अच्छा मारा है बहुत अच्छा मारा है कोई इशू नहीं तीन फाइनल आ रहे थे ना वो पिछले इसलिए तो चलो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए मैं करता हूँ अब मैं जाता हूँ घर पे और आप करो एंजॉय टेक केयर एंड जय महाराष्ट्र